हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत पावरफुल वीडियो क्योंकि इसमें एक पावरफुल इंफॉर्मेशन है। वो 7 करियर्स कौन से हैं जो आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर एरा को चलाने के लायक हैं। वो 7 करियर्स कौन से हैं जिनमें इतना पावर है कि आने वाले डेकेड को वो ड्राइव करने वाले हैं। डेफिनेटली आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाला डेकेड इन करियर्स का होने वाला है, तो मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ इन 7 करियर्स का ख्याल अपने मन में रखिएगा और एट दी एंड इन करियर्स में से कुछ आप चूज कर सकते हैं क्योंकि आने वाला डेकेड इन्हीं करियर्स का होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 टॉप मोस्ट करियर्स की जो आपके करियर को 4 चांद लगा सकते हैं। नंबर 1 इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट आज के ज़माने का जॉब है। कहते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंचुरी। डेटा साइंटिस्ट का काम होता है एक डेटा को स्ट्रक्चर करना, प्रोसेस करना, फाइनली एनालाइज करके उसको उसके मुकाम तक पहुंचाना। तो यूज़र जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको डेटा के थ्रू ही एनालाइज करके बिजनेसेस को ग्रो किया जा रहा है। डेटा साइंटिस्ट एक बहुत ही हैवी पेइंग जॉब है इन द एंटायर वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडिया में भी स्टार्टिंग सैलरी रेंजेस फ्रॉम 12 लाख रुपीस पर एनम टू 15 लाख रुपीस पर एनम। डेटा साइंटिस्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब्स इन द कमिंग डेकेड। सेकंड इन द लिस्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कहा जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जॉब्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड। इनफैक्ट इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी हाई पेइंग, इनफैक्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द एंटायर वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम एक नॉर्मल बैंकर की तरह नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर प्राइमली 3 काम करता है: रेजिंग फंड, हेल्पिंग इन ट्रेडिंग सर्विसेज एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ताकि किसी फर्म की या इंडिविजुअल की टोटल नेटवर्थ या वेल्थ बढ़ सके। अब क्योंकि वहाँ पर सामने वाले की नेटवर्थ या वेल्थ बढ़ती है तो डेफिनेटली जॉब भी बहुत हाई पेइंग कैपेसिटी का होगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का दबदबा आने वाले डेकेड में भी बना रहने वाला है। थर्ड इन द लिस्ट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड और सोशल मीडिया मैनेजर। आज का दौर मार्केटिंग का नहीं रहा बल्कि डिजिटल मार्केटिंग का हो चुका है। आप सब लोग अपना मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड करते हैं, तो मार्केटिंग भी वहीं पर होनी चाहिए, राइट? सो उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखी जानी चाहिए, किस तरीके से आप तक पहुंचनी चाहिए ताकि आप उस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करें एंड गेट इनसाइड द न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ये पूरा का पूरा काम करता है एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और आने वाले दौर में डिजिटल मार्केटिंग और लीप्स एंड बाउंड्स पे ग्रो करेगी क्योंकि हर कोई आजकल इंटरनेट पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। फोर्थ रोल या फोर्थ करियर ऑप्शन की बात की जाए तो हाल ही में इसने बर्थ लिया। पिछले 10-15 साल से धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, खासकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, पर अब धीरे धीरे हर इंडस्ट्री में अपने मुकाम को छू रहा है। इसका नाम है प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर या फिर कैटेगरी हेड। इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर वन इंडिविजुअल हैज़ टू टेक एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब उस प्रोडक्ट के अराउंड उसे आइडिएट करना होता है, रिसर्च करना होता है, टेस्ट करना होता है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट करना होता है एंड रियल मार्केट में लॉन्च करना होता है। सो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ वन पर्सन, जिसे हेल्प मिलती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, इन द फॉर्म ऑफ HR, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो दैट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ग्रोस। अभी मार्केट में अगर वैल्यू देखी जाए तो इनिशियली every company is going to pay you from 12 lakh to 15 lakh rupees per annum for the job profile of product manager or product head, and in the future you're going to get 50 lakh rupees per annum as well if you are actually doing a fantastic job over there. अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं जो कि सेल्स एंड नेगोशिएशन करना चाहता है तो डेफिनेटली आपकी डिमांड होने वाली है रियल एस्टेट सेल्स एंड मैनेजमेंट पे। आज के ज़माने के जितने बड़े बिल्डर्स हैं दे आर लुकिंग अप टू द प्रोफेशनल्स हु कैन सेल द प्रोजेक्ट्स दैट दे आर बिल्डिंग अप। सो आज के प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छी लग्जूरियस एम्यूनिटीज़ के साथ बन रहे हैं एंड वहाँ पर मोटी तगड़ी कमीशन भी मिलने वाली है। सो मोटी तगड़ी कमीशन होने की वजह से यहाँ पर आपकी सैलरी बहुत मोटी होने वाली है। तो रियल एस्टेट सेल्स एंड मैनेजमेंट इज द न्यू करियर ऑप्शन एज वेल। एक इंडस्ट्री जो आज के टाइम पे बहुत प्रोग्रेस कर रही है और एक शौक से एसोसिएटेड है, आप सबको हैरानगी होगी कि 6th नंबर पे वही एक प्रोफेशन भी है एंड इट इज गेमिंग। अगर आपको गेम्स खेलना बहुत पसंद है और मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो अपना फोकस एरिया गेमिंग को रख सकते हैं और आने वाले दौर में खूब मोटा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री, द ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री हैज बिकम द वर्ल्ड साइज ऑफ $300 बिलियन। इनफैक्ट यहाँ पर इतना पैसा है कि डे बाय डे जितने गेमर्स हैं वो खूब पैसा कमा रहे हैं। गेमिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं जो गेमिंग को रिव्यू कर सकते हैं, गेमिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डे बाय डे स्ट्रैटेजिकली गेमिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके पास खूब सारा पैसा आने वाला है आने वाले दौर में। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ फैंटास्टिक करियर ऑप्शन नंबर 7 इज कंटेंट राइटिंग। जितनी भी वेबसाइट्स बन रही हैं, जितनी एप्लीकेशंस बन रही हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट को जितना अच्छी तरीके से लिखा जाए या प्रेजेंट किया जाए उसी से ही यूज़र उसे परचेस करेंगे। आज के दौर में आप खुद को देख के देखिए, एक दिन में आप कितनी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस को विजिट करते हैं एंड आफ्टर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी वेबसाइट और उस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप डिसीजन बनाते हैं कि उस वेबसाइट से आपको क्या चाहिए, उनका प्रोडक्ट परचेस करना है या नहीं। सो कंटेंट राइटर्स की वैल्यू भी आने वाले दौर में खूब अच्छी होने वाली है। So on special request we made this particular video and these were the 7 careers that are going to grow exponentially in the coming decade. For more such videos keep coming on Supergrads YouTube channel. एक final request आपसे, अभी comment box में वो video डाल दीजिए जो आप Supergrads YouTube channel में future में देखना चाहते हैं। Like this particular video, share it with your friends and subscribe Supergrads YouTube channel if you haven't done till now.